पिथौरागढ़ में एक निजी स्कूल में बच्चों से मनमानी फीस वसूलने के खिलाफ आवाज उठाने के बाद अभिभावकों और उनके बच्चों के साथ स्कूल प्रबंधन द्वारा अनुचित व्यवहार करने की शिकायत को लेकर अभिभावकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर स्कूल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बच्चों के पढ़ाने के नाम पर मनमानी फीस ले रहा है। मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस बाबत पूछने पर अभिभावकों ने ये भी कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों को स्कूल से निकालने की बात कही जा रही है। इस बात को लेकर पिछले दिनों जिलाधिकारी के जनता दरबार में शिकायत की गई थी, जिसके बाद भी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों और उनके बच्चों के साथ बदसलूकी कर रहा है। स्कूल के द्वारा इस प्रकार के प्रताव और मनमाने तरीके से फीस लिए जाने को लेकर जिला अधिकारी से उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। पिछले दिनों विजडम नर्सरी के द्वारा फीस वृद्धि की गई, जिसके विरोध में अभिभावकों द्वारा जनता दरबार में कार्यक्रम रखा गया और जिलाधिकारी द्वारा जांच बैठाई गई। लेकिन जो जांच अधिकारी विजडम स्कूल में गए, उनकी मिली भगत के अनुसार वहाँ पे कार्य ठीक तरीके से नहीं हुआ। हमारे द्वारा बात की गई तो जांच अधिकारी जो थे उनने स्कूल का फेवर किया, हमारी बात को नहीं सुना, उसके विरोध में आज हम जिलाधिकारी के पास आए हैं। मैंने कहा मैं अनपढ़ हूँ, छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में कोई नहीं है, बड़े मैं नहीं जानती हूँ, तब तुम्हारे से पूछ रही हूँ। ऐसा बोला तेरी फीस अभी नहीं होगी जमा, 2:30 बजे के बाद होगी। मैं 2:30 बजे फीस लाई तो उसने बोला कि मतलब तू ही है सब हेड, तो पहले भी फीस बढ़ा दिया, फीस बढ़ा दिया, हेड बन के आगे आई, ऐसा बोला और सॉरी बोलो, सॉरी बोलो बोला। सर मेरा मुद्दा ये बनता है, बात एक स्कूल की नहीं है, बात सारे स्कूलों की है। मनमानी फीस वसूली जा रही है हर स्कूल से, बच्चे को टॉर्चर किया जाता है, हर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी अलग से पैसा लिया जाता है और छोटे छोटे एक्टिविटी के लिए भी पैसा लिया जाता है। क्या इतना भी स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता? जब पेरेंट्स हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों स्कूल? वहीं शिक्षा विभाग द्वारा इस पूरे मामले पर कहना है कि इस स्कूल के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसमें कि मुख्य शिक्षा अधिकारी ने एक कमेटी का गठन किया और जांच बिठाई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत की गई थी जनता मिलन कार्यक्रम में और उसके उपरांत कल जाँच भी की गई, उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा एक जाँच समिति गठित की गई थी, जाँच कर दी गई है और पूरे रिकॉर्ड्स और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट है, उनसे और बच्चों से पूरी अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया है कि जो शिकायती बिंदु उनमें से कुछ एक दो मदे ऐसे जिनमें कि शुल्क वृद्धि की गई है और जांच रिपोर्ट उसमें हमने तैयार कर ली है। तो जैसे जांच रिपोर्ट हम तैयार करके उसको फिर जिलाधिकारी महोदय जी को प्रस्तुत कर देंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग विभागीय कार्रवाई विद्यालय के प्रति करेंगे। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।